हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मनीष, फिजिक्स डिपार्टमेंट, सीएलसी सीकर। तो बच्चों, आज हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है। अ सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एज शोन। ऑब्जेक्ट का मास दिया 1 kg, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ऑल सर्फेसेस ऑफ ग्रूव इन कॉन्टेक्ट इज म्यू इक्वल्स टू 2/5। द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 m/s². फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। यहाँ ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू 37 डिग्री गिवन है, ठीक है बच्चों। 37 डिग्री। अब देखो, ये फिगर दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, इस डिस्क के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। देखो जरा, ये एक ब्लॉक है, ग्रूव का एक ये वॉल होगा ऐसे, ठीक है ना, और फ्लोर से दोनों तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये आप समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं कैसे समझाऊं, ये रिमोट से समझाता हूं आपको। अगर ये ऐसा स्लाइड कर रहा है इस तरीके से, तो एक तो फ्लोर के कांटेक्ट में वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और इधर एक वॉल के कांटेक्ट में भी है तो वॉल से भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये आप समझ पा रहे हो ना, दो अलग अलग सर्फेस से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एक यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम लोग म्यू एम जी लिख देते हैं, और इस तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मान लो इस तरफ नॉर्मल एन है तो म्यू एन आएगा, ठीक है। और इस सिस्टम पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए। अगर एंगल देखो, यहां थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। एम ए के दो कंपोनेंट लेंगे, इस तरफ एम ए कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको इस डायरेक्शन में लिख दें एम ए कॉस थीटा, इधर एम ए साइन थीटा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा और दो फ्रिक्शनल फोर्स होंगे। एक फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू इनटू नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल की वैल्यू आएगी, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी। अब इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा डिस्क के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का, हमें वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो ना, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए नॉट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए कॉस थीटा माइनस म्यू इनटू नॉर्मल माइनस म्यू एम जी, ये किसके इक्वल होगा, एम इनटू ए नॉट, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जब नॉर्मल की वैल्यू आप लिखोगे ना, एम ए साइन थीटा, देखो मैं लिख देता हूं एम ए कॉस थीटा माइनस म्यू एम ए साइन थीटा माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए नॉट, ठीक है। एम भी यहां लिख देते हैं, एम ए नॉट, तो ये m सब में कैंसिल हो जाएगा। मास 1 kg दिया था, हालांकि उसकी जरूरत है नहीं। क्या फाइंड करना था, a नॉट। तो अब a नॉट को आप लिख सकते हो a cos थीटा माइनस म्यू इंटू ए साइन थीटा प्लस g। वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों, देखो जरा, a की वैल्यू 25 गिवन है, cos 37 डिग्री 4/5, म्यू की वैल्यू 2/5, फिर से यहां पर ए 25 साइन 37 डिग्री, ये 3/5 हो जाएगा, और जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 5 टाइम्स में, यहां भी 5 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 20, इधर 20 आ गया, इधर क्या हो जाएगा, 15 + 10 25/5, तो 5 इंटू 2 10 के बराबर आ जाएगा, 20 - 10 करेक्ट आंसर होगा 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। 10th, ये ऑप्शन नंबर 1, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। टू ब्लॉक्स 4 kg एंड 2 kg आर स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। दो ब्लॉक है, एक 4 kg का, दूसरा 2 kg का। ठीक है, दोनों इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज, अब ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक बार आप ध्यान दो बच्चों, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.3, ये ज्यादा है। इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए अगर सेपरेट आप लिखते, सिर्फ 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता और एक्सेलरेशन में ये 0.3 है। इसके लिए अगर हम लोग बात करें 2 kg ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन यहां पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, 0.2 कम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको 2 kg आप कह दो, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन ये 4 kg वाले का कम होता। तो अभी दोनों साथ साथ हैं, कांटेक्ट आएगा, यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। हम लोग दोनों को सिस्टम मान लेते हैं बच्चों एक साथ। अगर दोनों को सिस्टम मान लिया तो इन दोनों पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और mg sin θ लगेगा एक कॉम्पोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल। यहां पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पूरे को सिस्टम मान ले रहे हैं, 4 + 2 = 6 है ना, तो 6g sin θ ये तो इस तरफ लगेगा डाउन द इंक्लाइन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए 0.3 × 4g cos θ, इसके लिए 0.2 × 2g cos θ। हम लोग ऐसे लिख देते F1 + F2 नेट फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि स्लाइड तो होगी। अब दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा, ये A फाइंड करना है। हम लोग F1 + F2 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स 0.3 लिखा है यहाँ पर, 0.3 × 4g cos θ प्लस 0.2 × इसका मास 2 kg है ना, 2g cos θ। थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है, ये 30 डिग्री। बस अब क्या करना है, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 6g sin θ माइनस F1 + F2 बाय टोटल मास। ये कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री गिवन है, ये ए है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है देखो। ठीक है, बाकी सब कुछ गिवन है और आपको बस वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.66 या 2.66 ऐसा कुछ आता है, एक बार चेक कर लेंगे आप। 6 से 6 कट जाएगा, g sin θ माइनस ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 cos θ और यहां पर 4 cos θ बाय 6, इधर अलग 6 डिवाइड कर दिया, इधर अलग 6 डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब cos थीटा की वैल्यू है, पुट कर दो, g की वैल्यू 10 sin 30 1/2, यहां पर 12 + 4 = 16, cos थीटा की वैल्यू √3/2 और 6, तो उसे ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 - 8/6 है ना, इसको 4/3 लिख देते हैं और √3 की वैल्यू 1.732 अप्रोक्सीमेटली लिख गया, ये 3 से कट जाना चाहिए, 7, 8 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। ठीक है बच्चों, 5 टाइम्स में 15 हो जाएगा और भी फर्दर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर 2 आ गया, 7 टाइम्स लिख देते हैं, 0.57, 6 मान लो 24, तो 2.66 के आसपास ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, ये तो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है एक बार ध्यान देना। अ
अ पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन विच वेरीज विद द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर. Here k and a are positive constant. K और a ये positive constant है. For x greater or equals to zero, the functional form of the potential energy of the particle is. यानी जो graph, चार graph दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा graph potential energy को represent करेगा? देखो बच्चों, force तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, और हम लोग ऐसे लिखते हैं potential energy जो होता है minus, ऐसे लिख देते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स. ठीक है ना, सिर्फ वन ही वन डायमेंशनल है ना, ये इक्वल्स टू एफ. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है, देखो आप कह सकते हो ना डी यू बाई डी एक्स का जो ये जो ग्राफ है, एक बार देखो यहां, अगर आप इसको यू इसको एक्स लिख दे दो, पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इन दोनों के बीच एक ग्राफ बनाए, तो इसका जो स्लोप होगा यानी कि डी यू बाई डी एक्स जो होगा, ये नेगेटिव ऑफ फोर्स के इक्वल होगा. नेगेटिव ऑफ फोर्स पहला पॉइंट. तो आप जरा एक चीज देखो, नेगेटिव ऑफ फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर यहां पर आप एक्स के बदले जीरो पुट कर दो ओरिजिन पर, एक्स की वैल्यू जीरो, तो स्लोप आना चाहिए जीरो. क्या इसमें स्लोप जीरो आ रहा है? ये तो स्लोप 90 हो रहा है, थर्ड ऑप्शन हो ही नहीं सकता, स्लोप जीरो होना चाहिए. यहां पर भी स्लोप जीरो नहीं होगा. देखो ये जीरो से मतलब इस तरफ है ना स्लोप, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले हुए नेगेटिव आ जाएगा. ये स्लोप भी जीरो नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. यहां पर लगभग लगभग स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी लगभग लगभग स्लोप जीरो है, यानी सेकेंड और फोर्थ में से ही कुछ आंसर होगा. यहाँ तक क्लियर हुआ? सेकेंड और फोर्थ इन दोनों में चेक करना है. देखो इसमें एक बार जीरो हुआ, उसके बाद लगातार कहीं भी एक्स की वैल्यू फर्दर जीरो नहीं हो रही है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए, एक बार जीरो पे जीरो है, उसके अलावा आगे बढ़ने पर कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है. जबकि इसमें एक वैल्यू तो यहाँ पर एक्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू यानी जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और यहां एक और पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. हम लोग चेक करके देखते हैं कि दो पॉइंट आएगा या एक ही पॉइंट आएगा. ठीक है, तो एक तो ये आपको समझ में आ गया. अब जो वैल्यूज गिवन है ना, इसका यूज करते हैं. फोर्स देखो तो क्या लिखा है, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा है बच्चों. तो हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं. तो देखो बच्चों, ये फोर्स गिवन है ना, अब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एक्स. ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. ठीक है, अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो तो क्या आएगा, माइनस यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, माइनस के, एक स्टेप और लिख दो, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ऐसा है. ठीक है ना, और dx. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा प्लस ए एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा. ठीक है ना, ये वैल्यू गिवन था. देखो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट कर दिया है. अब इन दोनों में से आप माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, प्लस के बाई टू माइनस ए एक्स बाई थ्री. एक तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा ही, एक और पॉइंट है जिस पॉइंट पर, देखो इसको अगर आप जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ना,
तो एक और पॉइंट है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि दो जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, ये तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर में आओ, देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है। अ वायर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, अ स्टेडी करंट फ्लोस थ्रू इट, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट पी एंड क्यू इज वी पी एंड वी क्यू। अब इनके बीच क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। एक बार हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन क्या लिखा है। चित्रानुसार एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल असमान है, इसके एक स्थायी धारा प्रवाहित होता है, इससे एक स्थायी धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों का बिंदु P तथा Q पर अपवहन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VP तथा VQ है, हमें इनके बीच रिलेशन चाहिए। देखो बच्चों, यहां पर करंट का इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं NEAVD ऐसा लिखते हैं। NE ये तो किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट हो गया, तो A और VD कांस्टेंट होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं A1V1 equals to A2V2। A एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, V क्या है ड्रिफ्ट स्पीड। आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कंपेयर कर सकते हैं, उसी के जैसा है। ठीक है ना, तो जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां स्पीड ज्यादा होगी, P पॉइंट पर स्पीड ज्यादा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला ये पैराग्राफ है, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 और इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों। ब्लॉक बी रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू इक्वल्स टू 0.5। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। When F equals to 30, then, अब F की वैल्यू 30 न्यूटन है, तो अब चार ऑप्शंस देखो, इसमें दिए हुए एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक और यहां पर है एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक। ठीक है ना, दोनों का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक बार ध्यान देना बच्चों, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं। इस पर ये A है, देखो 100 न्यूटन इसका वेट दिया है, यानी कि ये 10 किलोग्राम का है और ये 25 किलोग्राम का है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का यहां पर मास गिवन है। ठीक है, 10 और 25, तो अब इसमें जो फोर्स लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स तो इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। हम लोग अगर B की बात करें, B पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसके कारण ये मूव करेगा। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग चेक करें, क्या हो सकता है, म्यू इंटू मास ऑफ A इंटू जी। म्यू की वैल्यू 0.4 दिया है, मास ऑफ A 10 किलोग्राम है, इंटू जी ये कितना आ रहा, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लग सकता है, यानी ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन तभी होगा जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन के बराबर हो जाए। समझ रहे हो, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेम मान लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कुछ नहीं दिया होता तो ऑलमोस्ट सेम मान लेते। तो ये म्यू गिवन है, अगर ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा होता तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होती और वो 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का यहाँ पर मैक्सिमम लग सकता है। अप्लाइड फोर्स कितना है, देखो तो सिर्फ 30 न्यूटन ही है, इसका मतलब यहाँ 40 न्यूटन तो कभी लग ही नहीं सकता। ठीक है ना, और इसके लिए ये जो A और B है, अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों को एक साथ सिस्टम मान लो, फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ A एक्सेलरेशन ऑफ बी दोनों इक्वल हो गए और ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बाय नेट मास। मास कितना है, 10 केजी और 25 केजी, 10 प्लस 25 यानी 35 हो गया ना, 5 से ये कैंसिल होगा, 6 बाय 7
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6/7 इसका भी आंसर हो जाएगा और इसमें भी आंसर 6/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो जरा। इसमें क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, नेग्लेक्ट ऑल फ्रिक्शन एंड द मासेस ऑफ द पुली। ठीक है, यानी पुली आइडियल है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। ये एक फिगर गिवन है, इसमें एक 70 केजी का ऑब्जेक्ट है, एक 35 केजी का ऑब्जेक्ट है, इस पर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग का टेंशन। और दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, इसका एक्सेलरेशन और इसमें टेंशन दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है बच्चों, ये B है, इसका मास हम लोग M मान लेते हैं, ये A है, इसका मास 2 है। देखो जरा आप फिगर, एक 35 केजी है, दूसरा 70 केजी है। ठीक है ना, तो 35 केजी को हमने M मान लिया, 70 केजी के लिए 2M लिख दिया है। M की वैल्यू 35 पुट कर देंगे बाद में। ठीक है ना, स्ट्रिंग आइडियल है, टेंशन यहां पर हम लोग मान लेते हैं टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज जीरो, इसका मतलब टेंशन का नेट वर्क डन जीरो होगा। और अगर हम लोग दो बार डिफरेंशिएट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एक्सेलरेशन, यानी रिलेशन क्या हो जाएगा, हम लोग देखो इसके एक्सेलरेशन को ए ए से डिनोट कर देते हैं, B का जो एक्सेलरेशन है उसको ए बी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें आप ऐसा लिख सकते हो क्या, इसके लिए ए की बात करें, देखो टेंशन इस डायरेक्शन में है और ध्यान देना एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2t, इस पे 2t टेंशन लग रहा है ना, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये पॉजिटिव में लिखा। B की अगर बात करें तो टी टी और टी, 3t टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है जबकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, या नेगेटिव लिखना पड़ेगा, -3t इनटू एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल्स टू 0, टी से टी को कैंसिल कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ A को 3/2 ए बी लिख सकते हैं। एक तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान देना, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दो इक्वेशन लिखेंगे, एक बी के लिए एक ए के लिए। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, 300 माइनस 3t इक्वल्स टू एम, एम की वैल्यू 35 है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक रिलेशन आ गया। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पे 2t लगेगा, ए के लिए बात करें तो 2t इज इक्वल्स टू मास, यहां पर 2m है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए को हम लोग 3/2 एक्सेलरेशन ऑफ बी लिख सकते हैं, ये 2 से ये 2 को ही कैंसिल कर दो। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमें मिल गई 3m एक्सेलरेशन ऑफ बी बाई 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग टी भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी फाइंड कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो टेंशन की वैल्यू आएगी 900/11 और एक्सेलरेशन भी आएगा 122/77। ठीक है ना, तो दोनों के फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएंगे। आप एक बार चेक करके देखना, इक्वेशन समझ गए ना, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, देखो जरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या लिखा, फिगर शोज
टू आइडियल वोल्ट मीटर्स, एक यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, एक यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, एंड एन एमिटर विच आर कनेक्टेड, एमिटर कनेक्टेड अक्रॉस द वेरियस सर्किट एलिमेंट्स, इफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रेसिस्टेंस रीड्स 4.5 वोल्ट, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये तो ग्राफ दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन होगा। पहले में क्या लिखा है, करंट थ्रू 12 ओम रेसिस्टेंस, यहां से कितना करंट जा रहा है, एक तो हमें ये बताना है। फिर सेकंड में क्या है, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 20 ओम, यहां पर क्या रीडिंग है ये बताना है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं, सॉल्व करेंगे। फिगर को देखो, इसी फिगर से सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4.5 वोल्ट का। इसका मतलब इससे जो करंट जा रहा होगा 1/2 एम्पीयर या 0.5 एम्पीयर करंट जा रहा होगा ना, आई आर इक्वल्स टू वी लिखते हैं, तो 9/2 लिखोगे 4.5 आ जाएगा। यहां पर करंट है 1/2, यहां पे भी करंट होगा 1/2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 9 + 3, 12 ओम का टोटल रेसिस्टेंस है, करंट है 1/2, यानी कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां से लेकर यहां तक। क्लियर, क्योंकि ये सीरीज में है इसलिए हमने कहा करंट सेम है। 9 और 3 के साथ देखो तो ये 6 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा है क्या, अगर पैरेलल में लगा है तो आप कह सकते हो ना दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ध्यान देना, अभी हमने इसके अक्रॉस 6 वोल्ट फाइंड किया था पोटेंशियल डिफरेंस, तो 6 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही होगा, यानी यहां से जो करंट जा रहा होगा 1 एम्पियर जा रहा होगा। ठीक है ना, इसमें 1 एम्पियर और यहां से 1/2 है, तो टोटल करंट कितना हो गया 0.5 एम्पीयर। ठीक है, इसी में सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान देना बच्चों, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इस जगह 1.5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। कितना करंट है, 1.5 एम्पीयर, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.5 × 2, यानी कि 3, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। 10, 12 और 15 इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक बार फाइंड कर लो, 1/10, 1/12, 1/15। एलसीएम हम लोग कितना ले सकते हैं, 60 ले ले, 10 से 6 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 5 टाइम्स में आ जाएगा और फिर 4 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 15/60, 1/4, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया, इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम लोग बात करें बच्चों, इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम होगा। ठीक है ना, और करंट कितना है 1.5, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 × 1.5, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 4 × 1.5 6 हो जाएगा, 6, तो 6 + 6 12 + 3 15 वोल्ट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहां से यहां, इसकी भी रीडिंग क्या हो जाएगी 15 वोल्ट। एक आंसर तो आ गया, हमें एक रीडिंग ये बताना था। दूसरा क्या है, देखो 12 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है। फिर से सुनो बच्चों, यहां तक का इक्विवेलेंट 4 ओम था और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया तो इसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आया था, क्योंकि ये सब पैरेलल में है तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, 12 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 6 वोल्ट होगा, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ये करंट कितना होगा 6/12, यानी कि 0.5 एम्पीयर, तो एक आंसर आएगा यहां पर करंट, करंट कितना आ जाएगा 0.5 एम्पीयर। और अगले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग, वो आंसर क्या होगा 15
देखो तो यहां पे लिखा है 15, तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स अलोंग ओ ए। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं बच्चों, अगर हम लोग फोर्स लिख रहे हैं ना एफ, ये एक्स के टर्म में, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और अगर वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अगर जेड एक्सिस में भी जा रहा होता तो डी जेड के कैप भी लिखते, ठीक है। अभी अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब यही कॉन्सेप्ट यूज करना है वर्क डन, कहां से कहां तक के लिए, देखो तो इसमें क्या लिखा, ओ से ए तक के लिए, ठीक है। O से A तक में y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है, यानी कि y जीरो लेंगे। दूसरा, O से A तक के लिए dy भी जीरो होगा, क्योंकि y तो बदल ही नहीं रहा ना, अगर y चेंज हो रहा होता तो dy कुछ होता, चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहां तो dy जीरो के जीरो ही है, तो dy जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो, dy वाला टर्म होगा ही, ठीक है। अब अगर एफ एक्स की बात करें, देखो तो इसमें एफ एक्स में ये वाई टर्म आया क्या, एफ एक्स में वाई टर्म आया, वाई जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, जीरो, ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अब बी से सी तक जाने में हमें वर्क डन फाइंड करना है, फिर से मैं लिख दूं इसकी वैल्यू, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। जब बी से सी तक जाएंगे तो वाई की वैल्यू हमेशा ए है ना, वाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और वाई बदल नहीं रहा तो डी वाई जीरो हो जाएगा, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें ये टर्म तो जीरो हो गया, जो बचा हुआ टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डी एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। वाई की वैल्यू आप ए पुट कर दो, वाई कांस्टेंट है तो ए स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स। कहां से कहां तक के लिए चाहिए, बी से सी के लिए, और बी से सी में एक्स की वैल्यू जो बदल रही है वो जीरो से ए हो रही है, तो लिमिट लगा देते हैं जीरो से ए, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 4/4 यानी ए टू दी पावर 4/4, और आंसर हो जाएगा ए टू दी पावर 6/4, सिंपल है। अब नेक्स्ट सेक्शन बी, अब इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है, वन और मोर देन वन, तो चेक करेंगे, हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, अ मैन ट्राइज टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम बाय पुशिंग विद हिज हैंड्स एंड फिट अगेंस्ट टू पैरेलल वॉल्स फॉर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की ये फिगर दिया है, इधर भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी फोर्स लगा रहा है, दोनों तरफ फोर्स लगा के ये इक्विलिब्रियम में है, जाहिर सी बात है इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ एक वॉल पे लगा, दूसरे वॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा, मान लो इस जगह फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा, तो यहां से तो स्लिप कट जाएगा ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स लग रहा है तो इस तरफ से स्लिप कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा। यानी ये तो तय है कि दोनों सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एट टू वॉल्स मस्ट बी इक्वल।
अगर दोनों तरफ दोनों वॉल जो है, कहीं ऐसा लिखा नहीं कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि इस तरफ कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन हो, इधर कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू हो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के लिए जो नॉर्मल इधर से लग रहा होगा और जो नॉर्मल इधर से लग रहा होगा, दोनों नॉर्मल फोर्स इक्वल होंगे, तभी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनएक्सेलरेटेड है। लेकिन कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अगर अलग हुआ तो यहां पर म्यू एन लगेगा, यहां पर म्यू टू एन, अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स लग सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल नहीं लिख सकते, मे बी इक्वल होता तो हम लोग आंसर कर सकते थे। फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन बोथ वॉल्स, दोनों वॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स तो होना ही चाहिए, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा। नॉर्मल में दोनों तरफ जो लगेगा वो इक्वल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखो क्या लिखा है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम, कोई जरूरी नहीं है म्यू वन और म्यू टू डिफरेंट होगा तो भी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, यानी सिर्फ सेकेंड आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो थोड़ा आसान लग रहा है, आप सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्या लिखा है, बॉडी ऑफ मास 5 केजी इज सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग मेकिंग 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। जी की वैल्यू 10 गिवन है, तो हमें टी वन और टी टू फाइंड करना है। देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसके कॉम्पोनेंट ले लेंगे, एक तरफ इधर, एक इधर, एक इधर, और इस डायरेक्शन में 5g, 5g नीचे लग रहा है ना। t1 का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, t1 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 होता है। t2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा t2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब t1 का वर्टिकल कंपोनेंट यहां होगा t1 sin 30 डिग्री, t2 का कंपोनेंट हो जाएगा t2 sin 60 डिग्री, बस इतना लिख दिया। हमें क्या करना है बच्चों, T1 और T2 फाइंड करना है ना। देखो एक क्वेश्चन में T1 ऑप्शंस में दिया है, T1 T1 T2 T2, अब सॉल्व करना आसान हो गया। पहले तो आप इसको 2 से 2 अगर कैंसिल कर दोगे, T2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ T1 आनी चाहिए। ऑप्शंस देखो यहीं से आप चेक कर सकते हो, अगर T1 25 हुआ तो T2 25√3 हो सकता है, लेकिन अगर T1 25√3 हुआ तो T2 का कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यानी बिना आगे सॉल्व किए हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 4 ही हो सकता है। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन यहाँ आया, और वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हो, 5g इक्वल्स टू √3 t2 प्लस t1/2। दो इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व कर लो, T1 भी मिल जाएगा, T2 भी मिल जाएगा। सॉल्व करके क्या आंसर आता है, T1 की वैल्यू 25, T2 की वैल्यू 25√3, ठीक है बच्चों, चेक कर लेना, आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन स्मूथ वेज ऑफ मास कैपिटल, ठीक है, ये स्मॉल m मास है जो कैपिटल m पे रखा हुआ है वेज पे। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ m डैश एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें m डैश भी चाहिए और टेंशन भी चाहिए, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, m will move vertically downward, ये सीधा सीधा यहाँ से नीचे गिर रहा है g acceleration, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, याद ही रखना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा कुछ सिस्टम दिया हो, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है और इसका एक्सेलरेशन g 10 थीटा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जी कॉट थीटा, मिनिमम एक्सेलरेशन इतना,
तो इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा और ये सीधा सीधा जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों, बार बार यूज होता रहता है। अभी देखो ये वाला कंडीशन है ना इस क्वेश्चन में, देखो जरा क्या लिखा है। एम द्रव्यमान के एक चिकने नल पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक चित्र में दर्शाया गया है। एम डैश की न्यूनतम मान तथा रस्से में तनाव की गणना कीजिए जिससे एम द्रव्यमान का एम द्रव्यमान के ब्लॉक का त्वरण ब्लॉक 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर इसका त्वरण अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, जी कॉट थीटा। ये समझ में आया? एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एंगल थीटा दिया है, ये मास एम दिया है, ठीक है। अब देखो ये मास यहां पर एम डैश है, ये मास स्मॉल एम है, ये एंगल थीटा है, यहां पर जो टेंशन है उस टेंशन को फाइंड करना है, उसके अलावा एम डैश फाइंड करना है। अगर पूरे को सिस्टम मान ले, ठीक है ना, ये स्मॉल एम तो क्या यहीं से गिर जाएगा, कॉन्टेक्ट रहेगा नहीं, एम डैश और कैपिटल एम दोनों एक साथ चलेंगे सेम एक्सेलरेशन से, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जी कॉट थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना। हम लोग अगर दोनों को सिस्टम मान लें तो एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, एम डैश जी, टेंशन इनका इंटरनल फोर्स हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेट फोर्स, नेट मास अब क्या लिखेंगे, एम डैश प्लस एम और एक्सेलरेशन को ए यानी जी कॉट थीटा। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, एम डैश की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एम डैश को आप क्या लिख सकते हो, देखो तो एम ए डिवाइडेड बाय जी माइनस ए आ गया। ए की वैल्यू लिख दो जरा, कॉट थीटा, इसमें से भी जी कॉमन ले लेंगे ना, तो वन माइनस कॉट थीटा, जी से जी कट जाएगा, एम कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा, एम कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा, कॉट वाला आंसर आएगा। यहाँ टेन लिखा है, अगर आप इसको टेन में कन्वर्ट करोगे ना तो यहाँ टेन आएगा, माइनस वन आएगा, ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। अब थर्ड फोर्थ में देखो, दोनों में टेंशन की वैल्यू है, टेंशन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हो, T इक्वल्स टू एम ए, सिंपल है, और A की वैल्यू है G cot थीटा। तो आप इसको mg cot थीटा या mg by tan थीटा लिख सकते हो, ये tan लिखा है, समझ जाओगे ना। तो mg by cot थीटा, देखो तो mg by tan थीटा, ये थर्ड आंसर आ रहा है, और एक तो ये थर्ड है और ये फर्स्ट है, दो आंसर हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, देखो इसमें क्या लिखा है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी हैव अ वेलोसिटी वी एंड टू वी रेस्पेक्टिवली, दोनों की वेलोसिटीज गिवन है। At a given instant, a horizontal force F acts on block A. देखो F force यहाँ पर horizontally exert हो रहा है। There is no friction between ground and block. ये surface smooth है। Ground and block B and coefficient of friction between A and B is, यहाँ पर coefficient of friction mu given है। The friction On A supports its motion. अब चार options हैं। देखो बच्चों बिना calculation के हम लोग solve करते हैं। ये तो figure में आपको clear ही है कि A की velocity कम है, B की velocity ज़्यादा है, ठीक है ना? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि B जो है ये आगे जा रहा है A के respect में, तो B पर frictional force backward direction में लगेगा, ठीक है ना? और ए बी के रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, वेलोसिटी कम है ना, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे ए की वेलोसिटी कम है
बी के रेस्पेक्ट में ए पीछे रह गया, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अप्लाइड फोर्स भी है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो फ्रिक्शन के बारे में लिखा है ना, तो लिखा है फ्रिक्शन ऑन ए सपोर्ट्स इट्स मोशन, ए के मोशन को सपोर्ट करेगा, सही लिखा है, ऑन बी अपोजिट इट्स मोशन रिलेटिव टू ए, बिल्कुल ए पर जो है, बी पर जो है, ये ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ध्यान रखना, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज नहीं करता, कर भी सकता है लेकिन रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करता है, कई बार फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को सपोर्ट भी करता है, देखना ना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा, ऑन बी अपोजिट इट्स मोशन, बी के मोशन को भी अपोज कर रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बी का जो मोशन है उसको भी अपोज कर रहा है। फोर्थ में लिखा है अपोजिट द मोशन ऑफ बोथ, बोथ तो नहीं, ए को सपोर्ट कर रहा था, यानी 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना, कैलकुलेशन है इसमें। क्या लिखा, 0.01 किलोग्राम ब्लॉक, अ 0.01 किलोग्राम ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड टू कंप्रेस द स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर, इनिशियली इसको कंप्रेस करके रखा गया है और कितना कंप्रेशन है 5 सेंटीमीटर, मास गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर, ग्राउंड इज 2 मीटर हाई, सॉरी 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फर्स्ट में क्या लिखा है, व्हेन रिलीज्ड द ब्लॉक सेल हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/8 जूल, कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसको फाइंड करते हैं, हाफ के की वैल्यू गिवन है 100 और एक्स है 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 2 है 1/8 जूल आ जाएगा। इनिशियली 1/8 जूल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर्ड है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म, जैसे ही रिलीज करेंगे तो फिर ब्लॉक में इतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, आप इसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हो ना बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, एम की वैल्यू क्या है 0.1, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 टाइम्स में वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 0.1, 0.1 है, ऊपर में 10 लिख सकते हैं बच्चों, नीचे 0.1 था ऊपर 10 लिख दिया, ये 5/2 आ गया। अब 5/2 है ना, तो v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। थर्ड में आओ, देखो क्या लिखा है, द ब्लॉक शैल रीच द ग्राउंड इन स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 सेकेंड, ठीक है ना, ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, ये हाइट दिया है, हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल कंपोनेंट है नहीं, तो टाइम को आप डायरेक्ट यहां पर लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, तो 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखें क्या लिखा है, ब्लॉक विल हिट द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, डिस्टेंस चाहिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रेंज का फॉर्मूला होता है ये लिख देते, रेंज इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, ठीक है, ये टी लिखा है, वी इंटू टी, अब वी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और टी की वैल्यू है √2/5, √2 से √2 कटेगा, √5 से √5 कटेगा, ये 1 आ जाएगा, 1 मीटर आंसर, और यही लिखा है, चार ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। सिंपल था ये क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी जरूर है क्योंकि चार ऑप्शन करेक्ट है लेकिन सिंपल है, ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सिक्स्थ,
देखो इसमें क्या लिखा है, बॉल ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ लाइट वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के, द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स नॉर्मल लेंथ, यानी इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, कम्स टू रेस्ट अगेन आफ्टर डिसेंडिंग थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, फिर से एक्स डिस्टेंस पर आने के बाद रेस्ट में आ जाता है। पहले हम लोग एक्स फाइंड करते हैं, दो ऑप्शंस दिए हुए, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहां से रिलीज किया, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो जाएगी, शुरुआत में भी जीरो बाद में भी जीरो, यानी अभी इसमें जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, जैसे नीचे जाएगा ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान ले एक्स, तो एक्स पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहां मोमेंटरीली रेस्ट में है, और जब ऑसिलेशन के बाद फाइनली रेस्ट में आए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करने के लिए नेट फोर्स जीरो करते हैं, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, या वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना, इससे जो एक्स आएगा उसके ठीक हाफ डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में होता है, अगर कॉन्स्टेंट फोर्स है, ये आपको ध्यान ही रखना है, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट लगेगा, जैसे एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के अलावा एक एम जी लग रहा है जो कॉन्स्टेंट फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं करें, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ऐसे कंडीशन में जहां इक्विलिब्रियम होगा उसके ठीक डबल डिस्टेंस पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा। ये और ये कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू होगी 2mg/k। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में क्या लिख सकते हो आप, kx0, जो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, जो mg नीचे लगेगा, इसको बैलेंस करके x0 क्या आएगा, mg/k, आप कह सकते हो ये x का हाफ है। ठीक है ना, दो ऑप्शन, पहले और दूसरे को चेक करते हैं। पहला में लिखा है x की वैल्यू mg/k, हमने सॉल्व क्या किया बच्चों, 2mg/k, यानी कि करेक्ट आंसर सेकंड होगा 2mg/k। नेक्स्ट क्या है, द बॉल विल हैव नो एक्सेलरेशन एट द पोजीशन वेयर इट हैज डिसेंडेड थ्रू x/2 डिस्टेंस पर, नेट फोर्स जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, द बॉल विल हैव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा होगा, k × 2x0, x की वैल्यू आप लिख सकते हो ना 2x0, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, नीचे क्या फोर्स लगेगा, mg, तो नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, k × 2x0 − mg/m। 2x0 की वैल्यू देखो, k × x0 mg है, तो k × 2x0 क्या हो जाएगा, 2mg, 2mg − mg, ये mg के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय m, ये g के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब लोअर मोस्ट पोजीशन पर g एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों इसके सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू के बाय आर स्क्वायर वेयर के इज अ कांस्टेंट अज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट आर इज इक्वल्स टू आर नॉट। देन चार ऑप्शंस दिए हुए, एक संरक्षी बल है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और फोर्स की वैल्यू गिवन है, के कांस्टेंट है, आर क्या हुआ डिस्टेंस, जैसे हम लोग एक सिंपल से मैं बात करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है, उससे r डिस्टेंस पर अगर फोर्स फाइंड करना होता है, देखो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज q है, और इससे r डिस्टेंस पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज q0 रख दे, तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो आर है ये इससे रेडियली हर डायरेक्शन में हो सकता है, हर डायरेक्शन में आर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आपको समझ में आ रहा है ना, इससे पॉइंट चार्ज से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नेगेटिव क्या लिखेंगे, इधर भी वही होगा इधर भी यही होगा। तो आपको ये पहले समझना है कि आर इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे, फिर आंसर आपको अब समझ में आ जाएगा। देखो फोर्स इक्वल्स टू दिया हुआ है, अब हम लोगों को चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में लिखा है आर इक्वल्स टू इंफिनिटी पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरे में लिखा है कि आर इज इक्वल्स टू इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। चौथे में ना बारी बारी से चेक करेंगे, फोर्स की वैल्यू दी हुई है। देखो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यानी यू टू माइनस यू वन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है ये संरक्षी बल के कार्य का ऋणात्मक होता है, समझ में आ रहा है। तो U2, अब यहां पर हम लोग R1 और R2 लिख देंगे। F की वैल्यू क्या गिवन है, K by R square, ये लिखा है ना K by R square, K by R square dr। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई आर, और के कांस्टेंट है हम लोग के को बाहर ले लेते हैं, वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई आर होता है आर वन से आर टू, ठीक है ना। यहाँ पर यू टू माइनस यू वन, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू टू माइनस यू वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं के बाई आर। तो R की एक बार अपर लिमिट पुट करोगे 1 by R2 आएगा माइनस 1 by R1। अब हम लोग क्या कह दे, R1 R0 के बराबर है और R2 R के बराबर है, तो U at R माइनस U at R0 equals to K 1 by R माइनस 1 by R0। हमने R1 को R लिख दिया, इनिशियली ऑब्जेक्ट R0 पर था, बाद में R पोजीशन पे गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिखा है तो सिर्फ यू आर लिखेंगे, ये तो जीरो हो गया, के बाय आर माइनस के बाय आर नॉट, ऐसा आ गया। चेक करो तो जरा इसमें क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स टू के बाय आर माइनस के बाय आर नॉट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी एट आर टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर R की वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आएगा ना कि प्लस में, ये आपको समझ में आया ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है। जबकि ऑप्शन में देखो यहाँ पर प्लस में लिखा है, माइनस नहीं लिखा है यहाँ, ठीक है ना, यू इक्वल्स टू के नॉट बाई आर नॉट लिखा है, पूरे को मैं मिटा देता हूँ, चलो इसके बाद मिटाएंगे अभी। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एट आर टेंड्स टू इंफिनिटी इज मिनिमम, जैसे ही आर इंफिनिटी कर दोगे तो यू आर आ जाएगा माइनस के बाई आर नॉट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आ गया। अब इस टर्म को आप कुछ भी पुट करोगे पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि के पॉजिटिव है, आर नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्टेंस है तो ये दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म में कुछ भी आप पॉजिटिव ऐड करोगे तो वैल्यू कम, उसका जो ये है ना हम लोग बात करें तो ये नेगेटिव में कम हो जाएगा, जैसे माइनस थ्री था तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। माइनस थ्री ज़्यादा कम है या माइनस टू, माइनस थ्री कम है ना, यानी कि ये वैल्यू मिनिमम होगी। अब हम लोग जरा चेक करें, सबको हटाओ, पहला यही आंसर आया था, यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम लोग इसको भी आंसर कर देते। अब पोटेंशियल एनर्जी ये मिनिमम, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकेंड में माइनस नहीं लिखा, सेकेंड आंसर नहीं, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया। एट्थ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, क्या लिखा है ये देखकर ही लग रहा है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कुछ कंडीशन होगा। लिखा है इन द फिगर गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट आर वन आर फोर इक्वल्स टू
R1 R4 equals to R2 R3, ये दिया है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कर्वेचर, ठीक है ना। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दे उसके बाद भी ये बैलेंस्ड कंडीशन में ही रहेगा गैल्वेनोमीटर से तब भी करंट नहीं जाएगा। तो पहला लिखा है इफ पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड गैल्वेनोमीटर विल स्टिल शो जीरो डिफ्लेक्शन, सही है ना। आप गैल्वेनोमीटर को बदल दो, इसको बदल दो, बैटरी का पोजीशन इंटरचेंज कर दो, यहां बैटरी और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में गैल्वेनोमीटर अभी भी जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड ही होगा, ठीक है ना। सेकंड में लिखा है रेट ऑफ हीट डिसिपेशन थ्रू आर वन विल चेंज इफ पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड। अगर हमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया तो करंट बदल जाएगा बच्चों, इससे अभी कोई करंट नहीं जा रहा था ना, अभी देखो क्या करंट होगा इसमें, ऐसे करंट जाएगा, करंट I1 को हम लोग क्या लिख देंगे E by R1 plus R2, ठीक है ना, करंट अभी ऐसा है। अगर हम लोग इस जगह बैटरी कनेक्ट कर देते, बैटरी यहां पर होता ऐसे मान लो और करंट इस तरह से फ्लो होता ऐसे, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट जा नहीं रहा, तब करंट I1 डैश क्या हो जाता E by R1 plus R3, R2 और R3 इक्वल नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि करंट बदल गया, सेम रेसिस्टेंस है लेकिन करंट बदल गया, तो I square R बदल जाएगा, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड में देखो क्या लिखा है, इफ ईएमएफ ई इज डबल स्टिल नो डिफ्लेक्शन इज शोन बाय गैल्वेनोमीटर, क्या फर्क पड़ता है गैल्वेनोमीटर में, देखो बैलेंसिंग कंडीशन तो ये है ही पहले से, चाहे ईएमएफ 10 वोल्ट हो या 20 वोल्ट हो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ईएमएफ को आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, फाइव टाइम्स कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क ना आ जाए, ठीक है ना। हम लोग अभी करंट के कारण, हीट के कारण जो रेसिस्टेंस में चेंज आता है उसको नेग्लिजिबल मान लें, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फोर्थ में लिखा है इफ गैल्वेनोमीटर इज नॉट आइडियल इट विल शो डिफ्लेक्शन इफ ईएमएफ इज डबल, गैल्वेनोमीटर आइडियल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो, ये पॉइंट को अगर सी मान लें, ये पॉइंट को डी मान लें, सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इससे होकर के कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इसमें लिखा है इफ गैल्वेनोमीटर इज नॉट आइडियल देन इट विल शो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था। 9th क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ध्यान रखना है कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन है। क्या लिखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग इंडक्टर इज ए नॉट एंड ए नॉट बाई फोर, ठीक है, एट सेक्शन वन एंड टू रेस्पेक्टिवली इफ वी अल्फा वन एंड वी अल्फा टू एंड ई वन ई टू बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेक्शन वन एंड टू रेस्पेक्टिवली देन। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या लिखेंगे, वी वन ए वन इज इक्वल्स टू वी टू ए टू, ठीक है ना बच्चों, वी वन क्या है, वी एल्फा वन और ए वन के बदले ए नॉट, ठीक है, यहाँ पर वी एल्फा टू लिखेंगे और ए नॉट बाय फोर, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, वी नॉट बाय V alpha 1 by V alpha 2 ये 1 by 4 के इक्वल होगा, एक आंसर तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट स्पीड दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, VD is equals to हम लोग क्या लिखते हैं, U plus AT, यानी कि एक्सेलरेशन
चार्ज को ई लिख दें, कैपिटल ई बाय एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम, ऐसा होता है। तो वी डी जो है ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेशियो है यहाँ पर 1/4, वही रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो जाएगा। आंसर आ गया, सिंपल है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हो, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि करंट या तो हमेशा बाहर की तरफ या हमेशा अंदर की तरफ, जंक्शन की तरफ मान लेंगे। I1, I2, I3 तीन करंट है, नेट करंट जीरो हो जाएगा, जंक्शन लॉस है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द नेटवर्क जोन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर एट पोटेंशियल्स 70 वोल्ट, 0 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। पॉइंट डी इज एट पोटेंशियल 40 वोल्ट। हम लोग फाइंड करेंगे क्या है, द करंट इन द सेक्शंस ए डी, डी बी एंड डी सी आर। चलो ये रेशियो भी फाइंड करना है, सेकेंड और थर्ड में से कोई एक होगा ना। फिर फोर्थ में लिखा हो भी सकता है, नहीं भी उसका चेक करते हैं। फोर्थ में लिखा है नेटवर्क ड्रॉज अ टोटल पावर। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग क्या करें, सर्किट ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर है 70 वोल्ट, ये पॉइंट है ए, ये है 10 ओम, ये पॉइंट बी 0 वोल्ट 20 ओम, ये 30 ओम, पॉइंट सी 10 वोल्ट, बस इतना है। ठीक है, ऐसा फिगर दिया हुआ। अब यहां पर पॉइंट डी है, हमें डी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो सब में एक ही डायरेक्शन में करंट मान रहे हैं, बाहर की तरफ I1, I2, I3 ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप कैपिटल V मान लो, तो हम लोग लिख सकते हैं V माइनस 70/10, ये I1 हो जाएगा। ठीक है, फिर V माइनस 0/20, ये I2 हो जाएगा, और V माइनस 10/30, ये I3 हो जाएगा। हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अगर सॉल्व करने के बाद फाइनली कोई करंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिंपल है ना। चलो अब जरा वैल्यूज को पुट कर दो, तो V बाई 10 माइनस 7 प्लस V बाई 20 प्लस V बाई 30, एलसीएम ले लेंगे एक बार में, है ना, एलसीएम ले लेंगे। चलो V माइनस 70/10 प्लस V बाई 20 प्लस V माइनस 10/30 इक्वल्स टू 0, एलसीएम ले लेते हैं 60, 10 से 6 टेंस में आ जाएगा, 6V माइनस 70 प्लस 3V प्लस, अब 2 आएगा तो डायरेक्ट लिख दें 2V माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 6V प्लस 3V प्लस 2V यानी कि 5V इक्वल्स टू, ये तो 60 उधर चला गया 0, 6, 7 जा 42 और क्या रहा है माइनस 20। तो V की वैल्यू हो जाएगी 440/11 यानी कि 40 वोल्ट। पहले तो V मिल गया, अब I1 निकाल लेते हैं। I1 हो जाएगा 40 माइनस 70/10 यानी माइनस 3 I2, ये कितना आ जाएगा 40/20 यानी 2। I3 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 10/30 यानी कि 1। ठीक है ना, देखो ये नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। अब जरा देखिए, पहले तो डी पॉइंट का पोटेंशियल ये 40 वोल्ट सही लिखा है पहला स्टेटमेंट, और रेशियो I1, I2, I3 यानी कि
DA, DB और DC, ये लिखा है क्या? DA, AD, DB और DC, 3, 2, 1, ये सही है, ये सही है। इसमें 1, 2, 3 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अब हमें पावर चाहिए, ठीक है? देखो, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है कितना? 3 एम्पियर का, ठीक है? इसमें 2 एम्पियर का और इसमें 1 एम्पियर का। अगर हम लोग इसका पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा? I² R 90, इसका पावर I² R, यानी कि 4 × 20 80, और इसमें पावर क्या हो जाएगा? I² R, यानी 30, 200 आ रहा है टोटल, 200 लिखा है, तो 200 वॉट, ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है ना, सबका पावर निकाल लिया, ऐड कर दिया I² R करके। करंट तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया था। ये अगला सेक्शन, इसमें देखो सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट है, 0, 0 से लेकर के 99 के बीच में आंसर हो सकता है। चेक करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स ए एंड बी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स ए एंड बी इज 0.3, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड, ये स्मूथ है। पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हिच देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स। इन दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। अगर दोनों को सिस्टम मान लें तो सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना? तो एफ किसके बराबर होगा? टोटल मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो देखो, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू मास ऑफ ए इंटू जी। म्यू की वैल्यू है 0.3, मास ऑफ ए है 1, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है ना? 0.3, 1, जी की वैल्यू कहीं लिखा नहीं ना, 10 ही ले लो चलो। तो ये 3 न्यूटन आ जाएगा क्या? म्यू एम जी आ गया। अब देखो बी पर, अगर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, मैं ड्रॉ करके समझाता हूं, बी की बात करें बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां एक टेंशन लग रहा है, फिर देखो इस पर इधर ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है? दोनों कंडीशन है, यहां पर एफ, यहां पर ये टेंशन वही एफ हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ध्यान देना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ए आगे की तरफ निकल जाता, अभी फ्रिक्शनल फोर्स है, ए को आगे की तरफ जाने से रोकेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ए पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर गए। बी पर एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास ऑफ बी लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मास ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 3, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 1, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया। अब एफ की वैल्यू अगर पूरे को सिस्टम मान रहे हैं तो हम लोग सिर्फ ऐसा कह सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिस पर कि दोनों साथ साथ चलेंगे, यानी 4 × 1 आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन। हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, 4 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, द मास m2 इज 12 किलोग्राम। ये 12 किलोग्राम का है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन m2 एंड m1, m2 एंड ग्राउंड। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.25, बाकी सारे कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m1 फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। एक तो यहां पर ड्रॉ करते हैं, एक ये ब्लॉक है, इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा n मान लेते हैं, ग्राउंड से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में,
इसको हम लोग एन डैश नाम दे देते हैं, ऊपर से एम टू जी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा, ठीक है ना, ये म्यू एन डैश के बराबर होगा, म्यू इंटू एन डैश। ये हो गया इसका, म्यू की वैल्यू 0.25 गिवन है और कुछ गिवन है, एम टू की वैल्यू 12 है, तो हम लोग एम टू को यहां पर 12 किलोग्राम लिख लेते हैं। एम वन की मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, म्यू की वैल्यू 0.25 यानी 1/4, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहां पर देखो कोई फ्रिक्शन नहीं है, एम वन की बात करें पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो M1G लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक इस पर नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, बस ये तो दो फोर्स लगेंगे क्योंकि ये स्मूथ है और इस पर से जो भी फोर्स लग रहा है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर एक नॉर्मल आप लगा सकते हो, ऐसे लगा दो नॉर्मल ड्यू टू होल, उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना बच्चों। ये उसको बैलेंस कर देगा, वर्टिकल डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, ठीक है ना, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल करेंगे। अब ऐसा कंडीशन है, देखो थीटा, थीटा यहाँ 53 डिग्री दिया, इधर से ये वाला एंगल थीटा अगर मान लें तो थीटा 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस थीटा की बात करेंगे, ये थीटा, थीटा 37 डिग्री। अब समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, 53 डिग्री वर्टिकल से दिया है, हम लोग एंगल हॉरिजॉन्टल से लेंगे, ये एंगल है 37 डिग्री, इसको थीटा मान रहे हैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, बस। इसमें क्या लिख सकते हैं, एक इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वन जी, यहीं पे लिखते हैं एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वन जी, क्योंकि ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। कॉस 37 डिग्री क्या होता है, 4/5, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां से एन की वैल्यू एन इक्वल्स टू 5/4 एम वन जी, एन मिल गया। अब इसमें अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप बैलेंस करोगे तो एक इक्वेशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एन डैश इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एम टू जी, ठीक है ना, एन की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, तो एन डैश मिल गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एन साइन थीटा n sin theta horizontal direction में इधर लगेगा और mu into n dash ये opposite direction में लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले n की value वहां से उठाकर इसमें रखेंगे, फिर n dash की value इसमें put कर देंगे, mu given है, यहाँ पर n की value हम लोग लिख देंगे, एक ही तो unknown रहेगा बच्चों, m1, m2 तो पहले से given है ना 16, mu की value, m2 12 given है, mu की value 1/4 given है, g की value 10 ले लेंगे। सॉल्व करने के बाद M1 की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलो। आपको समझ में आ रहा ना, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन आए, तीनों को सॉल्व कर लेंगे, इससे इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से जो n डैश आएगा वो इसमें पुट करेंगे, M1 फाइंड हो जाएगा क्योंकि M2 के बना, ठीक है, सॉल्व करके क्या आएगा, 6। आप सॉल्व कर सकते हो, चेक कर लेना, ये तो सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या लिखा, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर, हैविंग अ मास ऑफ 3 किलोग्राम, द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट, यहां पर क्या फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है, ऑल द सर्फेसिस आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग्स एंड पुली आर लाइट। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
एक आसान सा ट्रिक मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान ही रखना है। इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर F2 फोर्स लग रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि F2 ग्रेटर है, F2 इज ग्रेटर देन F1। ये डिस्टेंस x दिया है, टोटल डिस्टेंस L है। तो अगर इस x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड करना है, इस पॉइंट पर डायरेक्ट में लिखता हूं, ध्यान से समझना। F2 से इधर जाएंगे ना तो टेंशन कम होता जाएगा, तो F2 में से माइनस करेंगे, ठीक है, और अगर इधर से बढ़ते तो प्लस करना पड़ता, दोनों मिलता है। आप ऐसा सिस्टम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, मैट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट हो जाएगा। फोर्स का डिफरेंस कितना है, F2 माइनस F1, डिफरेंस इन फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इतना आएगा डिफरेंस। F2 से इतना हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे, और अगर इधर से लिखना होता तो प्लस करते, ये डिस्टेंस अगर x दिया होता। मैं दूसरा भी लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। देखो सब कुछ सेम है, यहां से F2 फोर्स लग रहा है, यहां से F1 फोर्स लग रहा है, और F2 ग्रेटर देन F1 है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, टोटल डिस्टेंस L दिया है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर अगर टेंशन लिखना हो तो टेंशन को हम लोग लिखते हैं F1 प्लस डिफरेंस इन फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। समझ में आ रहा है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो अलग अलग फॉर्मूला आया गया आपके पास, दोनों में से कोई भी आप यूज करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखें। T1 देखो, यहाँ पर इस तरफ से लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर लेंगे, F1 क्या दिया हुआ है 20, हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं। ट्वेंटी प्लस डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 का, कितने डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर, और ये जो x है वो इधर से ना 10 सेंटीमीटर, 30 10, यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिवाइड में कट ही जाएगा, 3 से ये 4 टाइम्स में कट गया, 24। आप चाहो तो इधर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था इस फॉर्मूले में भी पुट करके देखोगे 24 ही आएगा। तो ये तो एक तरीका है, एक ट्रिक है सॉल्व करने का। अदरवाइज आप इसका मास अलग, इसका मास अलग, सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम सेपरेट करके सॉल्व करोगे, वक्त ज्यादा लगेगा। सॉल्व तो तब भी होगा, वक्त ज्यादा लगेगा, और एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पर टाइम और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स ऑन इन द फिगर, पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस, G=10। एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना लगेगा, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा 1g एक्सेलरेटिंग फोर्स। टोटल मास कितना है 1 + 1, तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए क्या, टेंशन चाहिए, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। नेट फोर्स बाय नेट मास, एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, दोनों को सिस्टम मान लो, टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं। यहां पर जो नॉर्मल और mg लगेगा वो मोशन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई कॉम्पोनेंट इधर नहीं है। ए की वैल्यू हो गई 10/2 यानी 5 m/s² टेंशन। टेंशन की वैल्यू क्या होती है, मास, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो m इंटू ए हो जाएगा मास 1, 5 न्यूटन का टेंशन होगा, आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया, चलो बच्चों अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, द एंड्स ऑफ स्प्रिंग आर अटैच्ड टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg, द 3 kg ब्लॉक रेस्ट्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड 2 kg ब्लॉक विच इज वर्टिकली अबव इट इज इन इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसिंग अ कंप्रेशन ऑफ 1 cm टू द स्प्रिंग, 1 cm ऑफ द स्प्रिंग। The 2 kg mass must be compressed further by least in millimeters, so that when it is released, the 3 kg block may be lifted off the ground. ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अभी इसको इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्रेशन होगा, कितना कॉम्प्रेशन है 1 cm, इससे हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मिल जाएगा।
अब इसके बाद जितना कॉम्प्रेस्ड है उससे फर्दर कितना कॉम्प्रेस करें कि वापस जब ये आए तो ये 3 kg का ब्लॉक भी ऊपर उठ जाए। देखो बच्चों, 3 kg के ब्लॉक के लिए ऊपर जो फोर्स लगना चाहिए वो 3g के बराबर लगना चाहिए, तभी तो ये उठ पाएगा 3 kg का ब्लॉक। और ये क्या है, kx, स्प्रिंग फोर्स ही तो लगेगा ना इस पे, तो स्प्रिंग फोर्स 3g के इक्वल होना चाहिए, पहले तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या, जब कॉम्प्रेशन में था देखो 2 kg का ब्लॉक, 2 × g इतना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये k × 1 cm के बराबर है, ठीक है ना, 2g यहाँ पर k × 1 cm के बराबर है, और ये x भी सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं, बाद में उसको मिलीमीटर में लिख देंगे, हमें आंसर जो करना है मिलीमीटर में, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अभी मान लें कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना फर्दर डिस्प्लेस करें, कितना फर्दर डिस्प्लेस करें कि ऊपर तक जा पाए, के की वैल्यू देखो, तो हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं क्या, या आप दोनों को डिवाइड कर दो, एक इक्वेशन है 3g इक्वल्स टू k × x, ठीक है ना, अगर आप डिवाइड करोगे देखो 3/2 इक्वल्स टू x आ जाएगा, और x किस में आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिखा है 1.5 cm, ये समझ में आ रहा है 1.5 cm। अब यहां से यहां तक पहले से 1 point, ये कितना है 1 cm है, 1 cm का कॉम्प्रेशन पहले से है, 1.5 cm ऊपर उठने के लिए यहां पर मेन पोजीशन से फिर से 1.5 cm ही कॉम्प्रेस भी करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है ना बच्चों, एक बार फिर से सुनो क्या कहा मैंने, देखो पहले इक्विलिब्रियम में 1 cm का कॉम्प्रेशन था, और अब जब वापस लिफ्ट ऑफ होने के लिए इसमें इलोंगेशन 1.5 cm होना चाहिए, यानी मेन पोजीशन से जितना कंप्रेस करेंगे मेन पोजीशन से उतना ही फर्दर उस पे इलोंगेशन भी उतना ही ऊपर जाना चाहिए, ये 1.5 cm ही और नीचे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये नेचुरल से उतना जा पाएगा, यानी टोटल ये जो है ना 1.5 + 1, मैं इसको लिख के बता रहा हूं, थोड़ा सा एक बार आप इस चीज को समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये फिगर पहले ड्रॉ कर देते हैं, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो तो फिर वो भी यहां पर क्लियर हो जाएगा, 3 kg और 2 kg का है ना। अब यहां पर क्या है, ये हम लोग मेन पोजीशन ये जीरो मान लेते हैं, जहां पर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ, ठीक है, और यहां से कितना इलोंगेशन होना चाहिए 1.5 cm, ये 1.5 cm है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग इसको मान रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1 cm, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से टोटल ये ऊपर कितना आ गया 2.5 cm आया, यानी कि 3 kg ब्लॉक को लिफ्ट ऑफ होने के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2.5 cm ऊपर तक जाना होगा, तो इसलिए हमें इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतना ही डिस्टेंस कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि ये डिस्टेंस भी 2.5 cm या 25 mm होना चाहिए, ये समझ में आया, जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर जाना है ना उतना ही इक्विलिब्रियम से नीचे भी कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग में ऐसा होता है, तो वो कॉन्सेप्ट सिंपल सा यूज कर लिया, आंसर आ गया 25 mm। आप चाहो तो एनर्जी का कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे
लेंथी हो जाएगा, एक इक्वेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। तो हम लोग उन सब से बच के अगर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम से जितना ऊपर तक जाना है इक्विलिब्रियम से उतना ही नीचे तक जाना पड़ेगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm इसको फर्दर कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एस, पी इक्वल्स टू 3t² - 2t+1 W, वेयर टी इज इन सेकेंड, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। पावर को हम लोग dk/dt लिखते हैं, dk इज इक्वल्स टू pdt, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और जब आप इसको लिख दोगे 3t² - 2t+1 dt, ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ तक के लिए 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 2 से 4, तो ये सॉल्व करने के बाद 46 आ जाएगा। सिंपल है ना, आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, t³ - t² + t, लिमिट 2 to 4, सॉल्व करके देखना ये 46 आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर, 46 W। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो उसमें क्या लिखा है, अ सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेसिस्टर। ये 1 ohm इंटरनल रेसिस्टेंस का सेल है, ये इस रेसिस्टर आर के अक्रॉस कनेक्टेड है। अ वोल्ट मीटर हैविंग वेरिएबल रेसिस्टेंस जी इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। ये वोल्ट मीटर यूज हो रहा है। द प्लॉट ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग अगेंस्ट जी इज शोन। What is the value of external resistance R? हमें R की external, जो external resistance R है, इसकी value find करनी है। देखो बहुत simple सा concept use करते हैं बच्चों। Current इसमें जो flow होगा, ideal condition हम लोग मान रहे हैं जब galvanometer बिल्कुल infinite resistance हो जाए, infinite, तो इससे कोई current नहीं जाएगा, current इससे जाएगा, current की value हो जाएगी 24/1+R। और जब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है तब इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 20, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 इज इक्वल्स टू I × R, 20 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू लिख दो 24R/1+R, इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 उस तरफ जाएगा 4R, R की वैल्यू हो जाएगी 5 ओम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया बच्चों, बस IR को V के यानी 20 के इक्वल कर दिया। जब गैल्वेनोमीटर, ये जो है ना सॉरी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, बस यानी आइडियल वोल्ट मीटर के कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, करंट पासिंग थ्रू 1 ohm रेसिस्टेंस इज 0। यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बराबर हो जाएगा। इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 V, तो ये EMF भी क्या होगा, 6 V। हमें EMF फाइंड करना था, आंसर होगा 6 V। बस इतना ही था। तो बच्चों ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।